सवाल नंबर थर्ड देखो, द सॉलिड सॉलिड मैटर सिलेंडर ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट। सो सिलेंडर है, हाइट की नहीं है, 10 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर की डायमीटर। ठीक है, कोई सिलेंडर देखो इस तरह का। सो ये हाइट की नहीं अपनी 10 सेंटीमीटर ना, तो ये डायमीटर ना 14 सेंटीमीटर। सो देखो, इज मेल्टेड मेल्टेड एंड रीकास्ट इन टू टू कोन। सो इस सिलेंडर तो रीकास्ट करके दो कोन बनाए इस तरह के। ठीक है, सो रीकास्ट इन टू टू कोन इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:4 वॉल्यूम। इमीन जो इन दोनों की वॉल्यूम की रेशो कि 3:4 है। कीपिंग हाइट 10 सेंटीमीटर, जी इन हाइट है ए वाली, वो कि दोनों की 10 सेंटीमीटर है कोन की। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ओके, सो वट वुड बी परसेंटेज चेंज इन द फ्लैट सर्विस फ्लैट सर्फेस एरिया बिफोर एंड आफ्टर। मीन आप फाइंड करना है जोड़ा सिलेंडर का जो एरिया है ए वाला, जोड़ा ये फ्लैट सर्फेस जो पहला वाला एरिया से सिलेंडर का, जो सिलेंडर शेप में उदों का फ्लैट सर्फेस एरिया, तो जो ये दोनों कोण बन गए तो उदों ये फ्लैट सर्फेस एरिया किन्ने परसेंट चेंज आया। ठीक है, मैं ए वाला फ्लैट सर्फेस एरिया तो ये दोनों का फ्लैट सर्फेस एरिया, सो दसना इतों लैके इतों तक कि चेंज आया। ठीक है ना, सो देखो हाँ जी कि जो इन दोनों कोण का जो वॉल्यूम की रेशो कि 3:4 कि इन दोनों का वॉल्यूम प्लस करिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू की होगा वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोण। ओके, सो जो इन दोनों रेशो है कि 3:4, सो एक्स लगा दें। ठीक है, सो हम इस सिलेंडर का रेडियस कि 7 हो जाएगा। यदा रेडियस सिलेक्ट करेंगे R1, यदा रेडियस सिलेक्ट करेंगे R2। सो जो यदा रेडियस है इन आप सिलेक्ट कर दें R। ठीक है, तो सवाल आप सिंपल भी ना करेंगे, देखो कि फाइंड करना फ्लैट सर्फिस एरिया, फ्लैट सर्फिस एरिया। सो ए भी फ्लैट सर्फिस एरिया, ए भी फ्लैट सर्फिस एरिया। सो हूँ यदा फ्लैट सर्फिस एरिया फॉर्मूला की होगा पाई आर स्केयर, एक नीचे पे पाई आर स्केयर। सो देखो फ्लैट सर्फिस एरिया, ठीक है, सो सिंपल देखो फ्लैट सर्फिस एरिया कितना होगा पाई आर स्केयर प्लस पाई आर स्केयर 2 पाई आर स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू पाई आर 1 स्केयर प्लस पाई आर 2 स्केयर। ठीक है ना, जो सिंपल जी गल ये है कि आप इस फ्लैट सर्फिस एरिया चेक करना किन्ने परसेंट चेंज आया। ठीक है, एक तो अपन ए कंडीशन गिवन है, तो हूँ एक अपन गिवन की है कि यह जो यदा वॉल्यूम है वो इन दोनों वॉल्यूम के प्लस के इक्वल होगा। सो अपना रेशो में शायद ही यूज करिए। सो आप सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्केयर एच, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोण 1/3 पाई आर 1 स्केयर एच। एच दोनों की सेम ही है 10 10, सो सिंपल आप एच अप्लाई करते थे 1/3 पाई आर 2 स्केयर एच। ठीक है, सो हम एच आप जो कैंसल हो जूगा। ठीक है, सो पाई आर स्केयर इज इक्वल टू 1/3 पाई आर 1 स्केयर प्लस 1/3 पाई आर 2 स्केयर। सो जो ए 3 है इन आप मूव करके इधर लेंगे 3 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू पाई आर 1 स्केयर प्लस पाई आर 2 स्केयर। सो हम इस स्टेप में ध्यान देखो तो इन ध्यान देखो पाई आर 1 स्केयर प्लस पाई आर 2 स्केयर। सो यद वैल्यू कि 3 पाई आर स्केयर। सो यह वैल्यू आप इतने पुट कर देंगे। सो देखो 2 पाई आर स्केयर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्केयर। ओके, सो हम देखो इस स्टेप में ध्यान कि हम ये की कर रहे थे फ्लैट सर्फिस एरिया, मैं पहला फ्लैट सर्फिस एरिया क्या 2 पाई आर स्केयर। सो जो इन कोण के चेंज करता, सो कोण का जो फ्लैट सर्फिस एरिया कि 3 पाई आर स्केयर हो, यह न्यू एरिया है, ये अपना पहला वाला एरिया। हम इन दोनों किन्ने परसेंट चेंज हो फाइंड करना है। सो चेंज कि पहले बस चेंज करते हैं फाइंड। सो चेंज फाइंड क्यों होगा इन दोनों की माइनस, सो दोनों की माइनस कि पाई आर स्केयर है। सो चेंज परसेंटेज फाइंड करनी है, सो पाई आर स्केयर जिन्ना चेंज आया डिवाइड बाय 2 पाई आर स्केयर जो पहला सी इन टू 100। सो पाई आर स्केयर कैंसल, तो ये दोनों कैंसल, आंसर है 15%। सो ऑप्शन नंबर अपनी 4 की आंसर है।